परेशानी है, हद से ज्यादा परेशानी है। एम्बुलेंस के चक्कर में एम्बुलेंस रहता है तो डिलीवरी भी सही सुरक्षित से उसमें होता है। ए टाइम में बहुत तकलीफ हुआ है, कितना कितना सब अति से हम लोग लेकर आए हैं, से परेशानी बहुत हो रहा है। रात बेरात का टेम्पू का फोन करो तो परेशानी हो जा रहा है। घर 500 रुपया लगता है। एम्बुलेंसों के सीजन शुरू होते ही खुल गया खुशियों का पिटारा। आनंद इंटरप्राइजेज थाना रोड कांटी। अगर आप घर ऑफिस कहीं भी प्लाई एंड हार्डवेयर इस्तेमाल करने वाले हैं तो चले आइए प्लाई के ऑथोराइज डीलर आनंद इंटरप्राइज, जहां नोरेलक पेंट पर बम्पर ऑफर चल रहा है, जहां मिलेगी हार्डवेयर की सभी सामान। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। कि पूरे बिहार के सरकारी अस्पताल के एम्बुलेंस चालक अब धरने पर चल गए हैं। उन लोगों की 4 सूत्री मांग है, जिसको लेकर आज जो है 3रा दिन है। और 3रा दिन की बात की जाए तो मरीजों को अब जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही आपको बताते चले कि बिहार राज्य चिकित्सा कर्मचारी संघ इंटक के द्वारा 4 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन पर डटे हुए हैं, और सरकार के खिलाफ जो है काफ़ी आक्रोश जो है चालक में देखा जा रहा है। ऐसे में अब जो है ग्रामीण इलाके के सरकारी अस्पताल का भी स्थिति जो है 3रा दिन पूरी तरह से चौपट दिख रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी जो है मरीजों को आने जाने में हो रही है, और एम्बुलेंस की जो सुविधाएं जो उन लोगों को मिलती थी अब वह सुविधाएं पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे अब जो है उन लोगों की काफ़ी मुश्किलें जो है पीड़ित लोगों को उठानी पड़ रही है। और तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं कांटी प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र कांटी का, जहां पर देख सकते हैं एम्बुलेंस रहने के बावजूद भी अब मरीज जो है टेम्पू और ऑटो से आ रहे हैं और जा रहे हैं। उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हम लोग की जो है काफ़ी परेशानी बढ़ी हुई है। ऐसे में सरकार पर भी जमकर एम्बुलेंस चालक बरस रहे हैं। उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक हम लोगों की मांग नहीं मानी जाएगी, जब तक हम लोग स्ट्राइक पर रहेंगे। ऐसे में तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं, जो महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल आ रहे हैं उन लोगों को जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस की सुविधाएं नहीं मिल रही है। आगे क्या कुछ बोल रहे हैं परिजन, खुद सुन लीजिए। अब नहीं मिलने से परेशानी बहुत हो रहा है। रात बेरात का टेम्पू का फोन करो तो परेशानी हो जा रहा है। गाड़ी में तही में डिलीवरी हो रहा है, दूसर क्या एम्बुलेंस रहता तो सुविधा से हम लोग आ जाते हैं। काफी परेशानी बढ़ बहुत परेशानी बढ़ रहा है हम लोग के। अच्छा, टेम्पो से कितना रुपया लग जा रहा है? 500 रुपया लगता है। 500 रुपया। अच्छा, एम्बुलेंस आते थे तो कम में? कम, वो तो एम्बुलेंस वाला पैसा नहीं लेता है। खाने पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए हम लोग दे दे, खुशी से मिलता है। हाँ, खुशी से मिलता है, मगर बंद हो गया तो परेशानी बहुत हो गया है। आने जाने का दिक्कत बहुत है। वो 7 बजे आए हैं, हम 3 बजे आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम आए कहाँ से आए हैं? बिशुनपुर महानंद से आए हैं। नाम क्या हुआ? किरण देवी हुआ। चलने से कितना परेशानी बढ़ रहा है? बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर आने के टाइम हम लोग एटो को भाड़ा 500 रुपया दे रहे हैं। एटो में डिलीवरी हो गया तो फिर यहाँ आए तो इतना मुसीबत हुआ आते आते हम लोग को। उसके बाद फिर रात 7 बजे बच्चा हुआ था, अभी तक तो बच्चा का सुई भी नहीं लगा है। परेशानी बढ़ा हुआ है। हाँ, कहाँ से आए? जसोधा मठ से। कितने बजे रात को टेम्पो से आए? 7 बजे रात को। एम्बुलेंस को फोन किए थे? हाँ, किए थे। तो क्या बोला जा रहा है? बोलो हड़ताल में है। कितना परेशानी हुआ है? परेशानी हुआ है। कैसे आए हैं आप लोग? आए हैं ऑटो से। ऑटो से कितना रुपया लगा उसमें? 400 लगा। कहाँ से आए हैं आप? कांटी आहलादपुर। किनको लेके आए हैं यहाँ पे? पुतोह के लेके आए हैं। कांटी अस्पताल में? हाँ। डिलीवरी पेशेंट जी। परेशानी हो रहा है? हाँ, परेशानी है। नाम क्या है आपका? कुशीला देवी। बहुत परेशानी है, हद से ज़्यादा परेशानी है। एम्बुलेंस के चक्कर में एम्बुलेंस रहता है तो डिलीवरी भी सही सुरक्षित से उसमें होता है। ए टाइम में बहुत तकलीफ हुआ है, कितना कितना सब अति से हम लोग लेकर आए हैं। सरकार का क्या पहल है? सरकार को आप अच्छी तरह से सुरक्षित देना चाहिए पब्लिक को, जब लड़कोरी बच्चा सुरक्षित रहे। एम्बुलेंस नहीं चलने से परेशानी बढ़ बहुत एम्बुलेंस नहीं चलने से बहुत परेशानी हो रहा है। कहाँ से? हाँ भैया, कहाँ से आए आप? जो हम
ब्रह्मपुरा से आए हैं, मौसी यहाँ से आए हैं, भाभी है मेरा। किस लिए आए हुए हैं यहाँ पर? यहाँ बच्चा को भर्ती किए हैं, पेशेंट है। एम्बुलेंस से आया है कि कैसे आया? नहीं, टेम्पो से आए हैं। मतलब कितना रुपया लगा है टेम्पो से आने में? अब टेम्पो का किशुनगढ़ का 500 रुपया। 500 रुपया जी। एम्बुलेंस से आते तो काफ़ी सुविधा सुविधा मिलता है, काफ़ी परेशानी हो रहा है। नाम क्या हुआ आपका? नाम राम जलम राम। कि आपने साफ तौर पर सुना कि जो महिला जो पीड़ित हैं, वे लोग जो सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने आ रहे हैं, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलने से उन लोगों में भी काफ़ी गहरी नाराजगी देखी जा रही है। ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है देखते रहिए, तब तक लिया दीजिए। जय हिंद, जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।